गुजरात विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। गुजरात में विधानसभा चुनावों के लिए 1 और 5 दिसंबर को वोटिंग होने जा रही है। चुनाव आयोग के ऐलान के बाद राज्य में माहौल और ज्यादा गर्मा गया है। इस बीच सभी पार्टियां अपनी जीत को लेकर बड़े बड़े दावा कर रही है, लेकिन इस बार के चुनाव में पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ रही आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने गुजरात चुनाव को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी अभी 182 में से 90 से 95 सीटें जीत रही है और अगर यही रफ्तार जारी रही तो 140 से 50 सीटें जीतेंगे। तो इस तरह का बड़ा दावा किया है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कि 150 सीटों तक आम आदमी पार्टी सीट जीत सकती है गुजरात विधानसभा चुनाव में। ऐसा हुआ तो ये बहुत बड़ा राजनीतिक संकेत जाएगा और बीजेपी का गढ़ माना जाता है गुजरात। नरेंद्र मोदी खुद वहां से 12 साल तक मुख्यमंत्री रहे और गुजरात मॉडल पेश करके ही वो प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे। ऐसे में गुजरात में अगर बीजेपी की सरकार गिर जाती है या सत्ता हिल जाती है तो आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़ा करिश्मा करने में सफल होगी। लेकिन देखना होगा कि आम आदमी पार्टी के यह दावा हवा हवाई है या वाकई में इसमें कुछ हकीकत है।